हेलो गाइस, तो जैसा कि पहले हम देख चुके हैं कि मिस्टर लियांग ने एक प्लान बनाया है जिसके अकॉर्डिंग वो डिन के वाइन यार्ड को आग लगा के जलाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये प्लान पहले ही डिन को पता चल गया था और इसको काउंटर अटैक करने का उसे एक आइडिया भी आ चुका था। वो अपने वर्कर्स को भेजता है जो कि रात के टाइम पर वाइन यार्ड के बोर्ड्स को बदल देते हैं और तो जो रास्ते में भी सिग्नल दिए गए थे उन एरोस को इस तरह से रिप्लेस कर देते हैं कि लियांग के वाइन यार्ड के ऊपर उनके वाइन यार्ड का नाम लिख दिया गया था। डिन को अच्छे से पता था, उसने देख लिया था कि किन ने जिन लोगों को हायर किया है वो इस एरिया के नहीं है बल्कि आउटसाइडर्स हैं। वो ये इसलिए कह रहा था क्योंकि कभी भी वो लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको पहचाने और किसी भी तरह से लियांग और किन तक ट्रेस बैक कर सके, और उनकी इसी हरकत को वो उनके खिलाफ यूज करता है। वो आउटसाइडर्स थे, इस एरिया को अच्छे से पहचानते नहीं थे, ये बात वो ठीक से जानता है। ऑल्दो वो लोग देखते हैं कि मैप पर इसके ऑपोजिट बताया जा रहा है, लेकिन फिर वो यही फैसला करते हैं कि जो रास्ते में एरोस बता रहे हैं हम उसी को ही फॉलो करेंगे। और यहाँ पर डिन ने उनकी निगरानी करने के लिए अपने वर्कर्स को भी भेस बदल कर छोड़ा हुआ था जो यही देख रहे थे कि वो कन्फर्म करके आए कि वो लोग उनके वाइन यार्ड की बजाय मानफा वाइन यार्ड की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा ही होता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग बोर्ड देखते हैं तो फोबा वाइन यार्ड का लगा हुआ था। वो खुश हो जाते हैं कि हमने मैप को नहीं बल्कि रोड सिग्नल्स को फॉलो किया है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डिन को भी लियांग के वाइन यार्ड में लगी हुई आग की चिंगारियां दिखाई देती हैं। इतनी भयानक आग वहां पर भड़की थी। उधर किन लियांग के पास ही बैठा हुआ था, उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि काम हो गया है। वो ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लियांग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके अपने वाइन यार्ड में आग लग गई है। वो लोग भाग कर जाते हैं और देखते हैं तो इस वक्त तक आग संभालनी बहुत मुश्किल हो गई थी। वो किन से क्वेश्चन करने लगता है और यहीं पर ही उसे पता चलता है कि उनके वाइन यार्ड के बाहर सारे बोर्ड बदलकर फोबा वाइन यार्ड का नाम लिखा हुआ था। अब ये देखकर वो सारे लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। किसी के घर आग लगवाना चाहते थे, लेकिन उनका अपना सारा बिजनेस उसी आग में जल रहा था। अब नेक्स्ट डे जब सारन ऑफिस में आती है तो उसे भी खबर मिलती है कि आग लगी है। वो खुश होने लगती है, उसे लगा था कि शायद थोड़ी बहुत आग लगी है वरना शायद हमारा ऑफिस भी जल जाता। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनके नहीं बल्कि मानफा वाइन यार्ड में आग लगी है तो ये सुनते ही वो परेशान हो जाती है। बार बार किन को नंबर मिला रही थी, लेकिन उसका नंबर अब कहां लगना था, वो तो खुद अंडरग्राउंड हो गया था लियांग से बचने के लिए। अब लियांग उनके ऑफिस में आता है गुस्से से भरा हुआ और वहां पर वो बोर्ड फेंक कर जाता है जो कि डिन ने रिप्लेस कराया था। उसे अंदाजा हो गया था कि ये सब डिन की चाल है। वो उनको धमकी देता है कि जो तुमने मेरे साथ किया इसका बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन डिन का कहना था कि अगर आपने एक भी और हरकत की तो आई थिंक आसानी से ट्रेस बैक किया जा सकेगा कि कौन फोबा वाइन यार्ड को जलाना चाहता था। यहाँ पर फोबा भी डिन को सपोर्ट कर रहा था, वो बिल्कुल खामोश रहता है। ऑल्दो लियांग उसके रियल डैड थे। अब डिन तो कल सारी रात इन्हीं कामों में लगा रहा था, सो भी नहीं सका था। वो आज आता है बुसापा के पास और उसे बार बार कहता है प्लीज मुझे कॉफी बना दो क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। जब तक वो उसके लिए कॉफी तैयार करके लाई थी तब तक उस बेचारे की आंख लग गई थी, वो सो गया था। बुसापा उसे देखती है कि ये सोते हुए भी कितना क्यूट और कितना हैंडसम लगता है, जबकि उसी टाइम पर हमें अंकल चान को दिखाते हैं। वो अपनी बेटी रिया को रोक रहे थे कि तुम फोवा से मत मिला करो, फोवा बिल्कुल अपने डैड जैसा होगा, ये बात मेरी तुम विश्वास तो करके देखो। लेकिन वो अपने डैड को शांत करा देती है और कहती है कि मिस्टर लियांग और फोवा दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं और आप मुझे इस काम से आना नहीं रोकेंगे। ये सुनते ही उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें हार्ट में पेन होने लगती है। अब वो बेहोश हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जबकि उधर फाइनली डिन अब जाग गया था और वो बुसापा को सारी बात बताता है कि किस तरह से उनके सामने वाले मानफा वाइन यार्ड में आग लगी है। वो कहता है कि किन को तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इस सब में सारन इन्वॉल्व है कि नहीं इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि वो वाकई कल बैंकॉक गई हुई थी और जब तक कोई पक्का सबूत ना हो हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। जबकि उधर अंकल चन हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको एकअप ऑफ मिलने के लिए जाते हैं और वो उसको यही कह रहे थे कि मैं फोवा पर एतबार नहीं कर सकता, जितना आज तक मुझे लियांग ने बर्बाद किया और किसी ने भी नहीं किया, इसलिए मैं उसके बेटे को कैसे अपना दामाद स्वीकार कर सकता हूँ। वो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फोवा को कहो मेरी रिया से दूर रहे, ये कहते हुए उनकी हालत भी बिगड़ जाती है। अब डैड आते हैं फोवा के पास और उसे अपने साथ साइड पर लेकर जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने डैड जैसे नहीं हो, लेकिन तुम ठीक से जानते हो कि अंकल चन की लियांग से कितनी दुश्मनी है। लियांग ने उनको बर्बाद कर दिया था, बैंकक्रप्ट कर दिया था, बिजनेस में धोखा दिया था, अब इसलिए वो ये नहीं चाहते कि तुम उनकी बेटी से मिलो। आई थिंक तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, मैं अंकल चन की हालत देखने के बाद उन्हीं की साइड लूंगा।
उधर मॉम को जब पता चलता है कि मानफा वाइन यार्ड में आग लग गई है तो वो एकदम सैड हो जाती हैं। उन्हें यह भी पता चल गया था कि ये सब डिन का कारनामा है। वो छत पर जाकर रोने लगती हैं। यहाँ पर डिन को लगा था कि शायद मॉम इसलिए सैड हो गई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो फुवा का डैड तो लगता है, लेकिन मम्मी उसे कहने लगती हैं कि जिस तरह के काम लियांग करता था एक ना एक दिन उसके साथ यही होना था। लेकिन इस वक्त मैं ये सोच कर सैड हो रही हूँ कि क्यों मेरे बच्चे फुवा को लोग उसके डैड से मिलाते हैं, वो एक डिफरेंट पर्सन है। ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सिर्फ लियांग का नहीं बेटा बल्कि उसकी रगों में मेरा खून भी है। वो साथ ही साथ डिन को ये भी कहती हैं कि मुझे ये भी अंदाजा है कि ये सब होते हुए फुवा को तकलीफ बहुत हुई होगी, लेकिन वो सब की खातिर खामोश रहता है, सिर्फ बर्दाश्त करता रहता है। फिर भी जब लोग उसे बुरा कहते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। उधर फुवा वाकई बहुत दुखी फिर रहा था। वो अंकल चन को देखना चाहता था, हॉस्पिटल में उनकी केयर करना चाहता था, लेकिन जब भी वो उनके सामने आता था उनकी तबीयत ही बिगड़ जाती थी। उधर सारन एक जगह चोरी चोरी किन से मिलने के लिए आती है। किन यहाँ पर उसे बताता है कि मुझे ट्रेस बैक किया जा रहा है, लियांग के लोग मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़े हैं, इसलिए मुझे मिलने की कोशिश मत करो। लेकिन उस टाइम पर वाकई लियांग के लोग उसे देख लेते हैं जो कि उसे ट्रेस बैक करते हुए अब उसके ठिकाने तक पहुँच जाएंगे। जबकि उधर हमें डिन को दिखाते हैं, वो आज बुसाबा के पास आता है, उससे कहता है कि मेरे लिए एक सैंडविच बना दो। जब वो बनाकर लेकर आती है तो हिम्मत करके कहता है कि ये सैंडविच तुमने मेरे लिए बनाया, बहुत थैंक्स, और इसके बदले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वही ब्रेसलेट निकाल कर उसे पहना देता है। अब वो उस ब्रेसलेट का मीनिंग उसे समझा रहा था, इसमें जो जेमस्टोन्स लगे थे, और कहीं ना कहीं उसका मतलब ये भी बनता था कि ये प्यार को रिप्रेजेंट करता है। ये सुनते ही बुसाबा शर्मा जाती है। अब बुसाबा बैठी हुई थी और वो दोनों ब्रेसलेट्स को बार बार देखे जा रही थी। सोच रही थी कि मैंने भी तो एक ब्रेसलेट लिया है डिन के लिए, लेकिन अगर अभी मैंने उसे पहनाया तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा कि तुम मुझे बदला चुका रही हो, तुमने मेरी कॉपी की है। इसलिए वो सही टाइम का वेट करने लगती है। आज फुवा जब डैड के पास आता तो वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बुसाबा के लिए कुछ दिया था, तुमने अभी तक उसे वो नेकलेस नहीं दिया, उसे प्रपोज क्यों नहीं किया। वो बेचारा काफी इनकार करता है, लेकिन डैड के आगे उसकी एक भी नहीं चलती। और फिर हमें वाइन यार्ड का सीन दिखाते हैं। आज बुसाबा भी बहुत कुछ दिखाई दे रही थी और उसके पीछे डिन भी एकदम खोया खोया था। सब वर्कर्स उनमें बदलाव को फील करते हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके फार्म में हर तरफ लव ही लव फैला हुआ है। उधर हॉस्पिटल में आज आंटी भी मिलने के लिए आती है अंकल चन को, और उसके बाद वो अकेले में रिया से पूछती हैं, कहती हैं कि क्या तुम डिन को लाइक करती हो। वो कहती है कि मैं पहले करती थी वन साइडेड लव, लेकिन अब नहीं करती। वो उससे बहुत पूछती हैं कि अब तुम किससे प्यार करती हो, लेकिन इससे पहले कि वो फुवा का नाम लेती पासाए आकर उनको इंटरप्ट कर देती है। जबकि फुवा आज बहुत परेशान बैठा हुआ था, बार बार उसी नेकलेस को देख रहा था। इतने में फासाए पहुंचती है और वो नेकलेस देख लेती है। अब वो ये तो नहीं पूछ पाई थी अपने बड़े भाई से कि तुम किसके साथ फ्लर्ट करने जा रहे हो, लेकिन उसे ये जरूर पता चल गया था कि मेरा भाई किसी न किसी को जरूर प्रपोज करने जाएगा। जबकि उधर किन अब फाइनली लियांग के आदमियों के हाथों पकड़ा गया था। वो पहले पकड़कर उसकी ठीक ठाक ठुकाई लगाते हैं और उसके बाद लियांग बदला लेने के लिए उसे यूज करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, इस 3 दिन के अंदर अंदर तुम डिन को टपका दो, अगर उसे ना मारा तो फिर मेरे बंदे तुम्हें मार देंगे। जबकि उधर डिन आज घर पर आता है, उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि देखो अंकल चन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि उनकी रिया की शादी मेरे डिन से होगी, वादा निभाने का टाइम आ चुका है। लेकिन डिन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि बूढ़े लोगों के वादों में प्लीज आप हम बच्चों को ना फंसाएं, अगर इतना ही वादा निभाना है तो फुवा से रिया की शादी करा दे, क्या आप उसे अपना बेटा नहीं मानते। लेकिन डैड का कहना था मैं तो कराने को तैयार हूँ, क्या करूँ लड़की का बाप नहीं मानता। यहाँ पर डिन डैड के साथ एक बेट लगा देता है और कहता है मुझे 3 महीने का टाइम दे और इस 3 महीने के अंदर अंदर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अंकल चन खुद ही कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी की डिन से शादी नहीं करानी। अब चैलेंज ही ऐसा था कि डैड को मानना पड़ता है। जबकि उधर किन बहुत बुरा फंसा हुआ था, उसके घर के बाहर हर टाइम लियांग के आदमी खड़े रहते थे जो कि उसके हाथों से डिन से बदला लेना चाहते थे। अब वो बार बार सारन को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो कि डिन कहाँ है, अगर मैंने उसे ना मारा तो मेरी अपनी जान भी नहीं बचेगी। जबकि दूसरी तरफ हमें बुसाबा को दिखाते हैं, वो आज कुछ खोई खोई नजर आ रही थी और वो इस वजह से था क्योंकि उसके पास आज फुवा आया था और उसने यही बोला था कि प्लीज मेरी मजबूरी है इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ, मेरे से एंगेजमेंट कर लो, अंकल चन की तबीयत खराब है। वो हर हाल में यही चाहते हैं कि रिया की और डिन की शादी हो जाए और तुम डिन के साथ इन्वॉल्व नजर आती हो, इसी वजह से वो बीमार पड़ गए हैं। अगर तुम डिन को बचाना चाहती हो और ये नहीं चाहती कि मेरे डैड उसे किसी भी मुसीबत में डाले तो हमें एक दफा ये करना पड़ेगा, जब हालात ठंडे होंगे तब हम सब कुछ चेंज कर लेंगे, देखा जाएगा। लेकिन डिन को भी ये बात पता चल गई थी। वो बुसाबा के पास आता है और उसे कहता है कि हम आज हॉस्पिटल जाएंगे और ये सारा कुछ क्लियर करेंगे जो भी अंकल चन ने ड्रामा लगाया हुआ है।
जबकि उधर अंकल चन की आज तबीयत थोड़ी सी बेहतर लग रही थी। आज उनसे मिलने के लिए फोवा आता है, वो उसे देखकर दोबारा मूड बना लेते हैं, लेकिन फोवा सिर्फ इतना ही कहता है कि आप मुझे बेहतर लग रहे हैं और इस बात से मैं रिलीव्ड हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, और मैं सिर्फ यही यकीन दिलाने आया हूँ कि आपके बाद मैं रिया से कोई रिलेशन नहीं रखने वाला। मैं आपके रास्ते से हट रहा हूँ और बुसाबा से इंगेजमेंट करने जा रहा हूँ। अब ये सुनते ही ऑफ कोर्स उसके डैड तो खुश हो गए थे, लेकिन रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पीछे पीछे जाती है, फोवा का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं हार गया, मैं टूट गया, अब इससे आगे मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम पर पार्किंग में डिन और बुसाबा भी पहुंच चुके थे, जो अंकल से मिलना चाहते थे, उन्हें कुछ क्लियर करना चाहते थे। यहीं पर ही फोवा भी उनको देख लेता है। अब किन ने भी पता चला लिया था कि डिन कहां गया हुआ है। वो गन निकाल कर डिन को गोली मारने वाला था कि उसके सामने फोवा आ जाता और अपने भाई के हिस्से की गोली खा लेता है। अब एक गोली डिन को भी लगी थी, लेकिन फोवा की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। अब इतनी ही देर में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जिसे देख कर किन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब वो दोनों के दोनों भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका ऑपरेशन हो रहा था। फोवा की कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि उसको गोली दिल के करीब लगी थी, लेकिन डिन वो तो होश में आ चुका था और उसकी कंडीशन बहुत बेहतर थी। बुसाबा भी हॉस्पिटल में बैठी डिन से मिलने के लिए उसका वेट कर रही थी, लेकिन फसाई उसे कह देती है कि यहाँ पर डैड भी आए हुए हैं और डैड आज बहुत परेशान है, ये ना हो कि वो तुम्हें देखकर तुम पर ही गुस्सा निकाल दे, इसलिए प्लीज चली जाओ यहाँ से। और ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है खामोशी से, बिना डिन से मिले, जबकि डिन बेचारे को बार बार बुसाबा का इंतजार था। वो पूछता भी है कि क्या बुसाबा नहीं आई। फासाई उसे छेड़ने के लिए कह देती है कि हाँ, मैंने उसे यहाँ कहीं देखा तो था, शायद फोवा के कमरे के बाहर बैठी बहुत रो रही थी। अब ये सुनने के बाद डिन एकदम हर्ट हो जाता है कि क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। जबकि बुसाबा नेक्स्ट ही डे रिया के पास जाती है और उससे कहती है कि किस तरह से फोवा ने मुझे प्रपोज किया है और जिस तरह से उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, और आजकल हालात खराब हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या ये मेरी वजह से हो रहा है। और वो नेकलेस भी निकाल कर दिखाती है जो फोवा ने उसे प्रपोज करते समय दिया था। उसने पहना नहीं था, लेकिन खामोशी से अपने पास रख लिया था। यहाँ पर फासाए भी आती है, और जब वो बुसाबा के हाथ में वही नेकलेस देखती है जो उसने फोवा के पास देखा था, तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।